हेलो एवरीवन, कुकिंग तड़का विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मूंगफली की मिठाई की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सस्ते में बनके तैयार हो जाती है ये मिठाई और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मूंगफली की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूंगफली को अच्छे से फ्राई करके तैयार करना होगा। तो यहाँ पे हम एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मूंगफली और इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है। हमें इसे मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। अगर आप इसे हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो इसका कलर तो जल्दी से चेंज हो जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्चा रहेगा, इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करना होगा। इसे हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया। मूंगफली हमारी अच्छे से फ्राई हुई है कि नहीं इसे चेक करने के लिए आप एक दो मूंगफली निकाल कर और इसे हाथों से छिलका निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। अगर इसका छिलका आसानी से निकल जा रही है तो हमारा मूंगफली अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट पर और इसे ठंडा होने के बाद हम इसे छिलका निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे मूंगफली से छिलका निकाल कर तैयार कर लिया, देखिए। अब हमें इसे पीस के तैयार करना होगा। तो यहाँ पर हम मिक्सर जार लेंगे और मूँगफली को इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छे से पीस के हमें तैयार कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे पीस के तैयार कर लेती हूँ। हमने इसे ग्राइंड कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमें इसे ग्राइंड करना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं चाशनी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप शक्कर। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 कप पानी डाल देंगे इसमें, शक्कर को मेल्ट होने देते हैं। चाशनी बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 से 6 मिनट में बनके ये तैयार हो जाएगी। हमें एक तार वाली चाशनी बना के तैयार करना है। चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है, इसे आप चेक कर सकते हैं ये एक तार वाली चाशनी बनी है कि नहीं। थोड़ा सा लेके आप उंगलियों में इस तरह से करते हुए आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये एक तार वाली चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब हमें इस स्टेज पे डालना है मूंगफली का पाउडर जो हमने बना के तैयार किए थे। इसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चाशनी में मिक्स करेंगे। एक साथ पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। देखिए इस तरह से हमें डालते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। और इसमें हमें डालना है 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की जगह आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप दूध। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे यहाँ पे। देखिए हमें इस तरह से करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये नीचे से सटे ना, अगर हल्का भी ये कढ़ाई के तले लग जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से मिठाई में बहुत ही अच्छी साइन आती है। हमें इसे एक डो की कंसिस्टेंसी आने तक पकाना है। आप देख सकते हैं ये डो की कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब इस स्टेज पे हमें गैस को कर देना होगा बंद। अब मैं यहाँ पे 1/2 को निकाल दूंगी एक बाउल में।
तो मैं यहाँ पे इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। आधे डो में मैं यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर मिक्स करूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है, इसे हमें दूध में मिक्स कर लेना है अच्छे से और इसे डाल देते हैं इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप फूड कलर की जगह पे कोई चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं इस जगह पे। मैं मिठाई में दो कलर देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आधे में ऑरेंज फूड कलर मिक्स किया है। आप चाहें तो एक ही कलर का बना सकते हैं। फूड कलर की जगह पे आप कोई चॉकलेट फ्लेवर भी दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं इसे सेट करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम एक फॉलिंग पेपर लेंगे। फॉलिंग पेपर में हमें घी लगा के तैयार कर लेना होगा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ वाइट वाला जो हमने निकाल के रखे थे। इसे डालकर हम यहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे। आप इसे चम्मच से चाहे हाथों में घी लगाकर इसे अच्छे से सेट कर लें। तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ। देखिए हमें इस तरह से सेट करके तैयार कर लेना है। अब हमें दूसरा फॉलिंग पेपर लेना है और इस पे भी घी लगा के हमें तैयार कर लेना है। अब हमें इस पे कलर वाला सेट कर लेना है। इसे भी हम फॉलिंग पेपर पे डालकर इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए हमें इस तरह से सेट करके तैयार कर लेना है। अब हमें इसके ऊपर व्हाइट वाला डाल देना है। देखिए आराम से इसे इस तरह से डाल दें और इसे अच्छे से सेट कर लें। तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे ऑरेंज वाले को ऊपर रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे पलटकर ऑरेंज पार्ट को ऊपर कर लेती हूँ। आप जो कलर का ऊपर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज पार्ट को ऊपर कर लिया। अब हमें इसमें डाल देना है कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट करके ले लिया है। आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे डालकर स्पैचुला से थोड़ा टैप कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। हमें इसे एक प्लेट पर रखकर फ्रिज में रख देना होगा 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसे रख देती हूँ फ्रिज में। 2 घंटे बाद हम चेक कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। अब इसे हमें कट करके तैयार कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे स्क्वायर शेप देने वाली हूँ। आप अपने मनपसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। हमने इसे कट करके तैयार कर लिया। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। देखिए हमें इस तरह से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी मिठाई बनके तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारे मिठाई को निकाल के तैयार कर लेंगे। हमने प्लेटिंग कर लिया। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत दिख रही है ये मिठाई। खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये। आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करिए, बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।